ठीक है ना। चलिए तो टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे बेटा, सॉल्व भी किए क्या? बोलो। अरे कुछ क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व भी किए क्या? कोई यस सर। डाउट किसी को पूछ सकता है? लोग जब पूछा जाता है तब बताते हैं। चलिए अब आप लोगों को इसमें से, कल मैंने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन क्या होती है, कैसे जो है एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने इससे रिलेटेड आपको बताया था। एसिड कैटालाइज्ड की रिएक्शन बताया थी इसमें मैंने, किसमें सॉरी, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में बताया था, ठीक है ना। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को बताया था मैंने, ठीक है ना। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, उसी में हम लोग एसिड कैटालाइज्ड। कल तो हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट बता रहे थे, लेकिन ये रिएक्शन जनरली बेस की ही प्रेजेंस में होती है। एसिड के केस में बहुत कम हम लोग इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एसिड के केस में हम लोग बहुत कम इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एसिड के केस में कैसे कैसे क्या क्या इसमें प्रोडक्ट है। तो एसिड कैटालाइज में लिखता हूं, एसिड कैटालाइज एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन क्या है। देखिए सपोज आपके पास इस तरीके से दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको आपको कहा जाता है HCl की प्रेजेंस में हीट करेगी। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, CH3 अब यहाँ पे HCl का मतलब हो गया कि H+ और Cl- में एक टूट जाएगा। इस H+ पे यहाँ से ये वाला लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, है ना। अब ये लोन पेयर जब इस पे अटैक करेगा तो ये CH3O(H) पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा CH2H बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बात तो एक ही है। अब क्या होगा, ये जो Cl- है, ये Cl- यहां से एक एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। एक एसिडिक प्रोटॉन को जब ये यहां से लेता है तो O पे H पॉजिटिव चार्ज आता है और CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहां से ये इधर चला जाएगा और ये यहां से ऊपर आ जाएगा, ये CH2 ये ऐसा बन जाएगा। अब यही CH2 दूसरे स्टेप में दूसरे कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। देखो
ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा? दूसरे कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा ऐसे। ठीक, तो क्या बनेगा देखिए, यहां से ये इसको वापस भेज देगा और ये इधर इस पे लग जाएगा और इसको इधर चला जाएगा, ठीक है ना। और देखिए क्या बन रहा है, ठीक है। अब ये आपका एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल को मान के चलिए आपने हीट किया, हीट करने के बाद देखिए यहां से ये ऐसे टूट जाता है, टूटेगा तो देखो क्या बना है बेटा, देखिए तो इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड है। इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर, तो नाम क्या लिखेंगे इसको, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ऐसा भी तो लिख सकते हैं देखिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ओन ऐसा भी तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, फोर्थ पोजीशन पे आपका मिथाइल लग गया, देख लो। कोई डाउट है किसी को? कर लोगे इसको? देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बात एक ही है ना, और नहीं तो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखो इस प्रोडक्ट को बनाना था ना आपने शॉर्ट में, है ना, तो इस प्रोडक्ट को बनाना था आपको शॉर्ट में, तो ऐसे करते हैं इसको, देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे करते हैं, देखो ठीक, देखो ऐसी है ना, दो कीटोन थे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकाल देते, देखो देख लो ये दोनों सेम ही तो है, देखो तो दोनों सेम ही तो है, या ऐसे भी बना सकते थे आप इसको शॉर्टकट तरीके से, देखिए ये दोनों सेम ही तो है, तो या तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा मैं आप लोगों को देखिए, सपोज आपने एक ऐसा देखिए 3 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लो, ऐसे ले लो, लो बेटा ये देखो तो जरा इस, देखो जरा ध्यान से इस मॉलिक्यूल को देखो तो, सब लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, विजुलाइज करिएगा इसको थोड़ा सा, देखो जरा
ये एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ना, देखो ये वाला, इसको देखो सेपरेट करके देखो, ये सी एस थ्री सी एच ओ है या नहीं है, देखो ये देखो दो हाइड्रोजन ये है, एक ये है सी एस थ्री सी एच ओ लगाया मैंने, देखो ये भी सेम वही है सी एस थ्री सी एच ओ है, ये भी सेम वही है। देखो आराम से मैं यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल देता हूँ, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल देता हूँ, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, और सबको जोड़ देता हूं तो ये ऐसा बनाता है। देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप लोग बोलते हो मेसिटाइलिन, इसका नाम है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन देख लीजिएगा इस स्ट्रक्चर को, आराम से देखिए और फिर मुझे बताओ, ठीक है ना, और कहीं से भी आप काउंटिंग कर लीजिएगा इसमें 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 1 3 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं, या जिसको हम लोग दूसरे नाम में बोले हैं मेसिटाइल। पढ़ लोगे क्या, कर लोगे, बोलो हो जाएगा। एक और yes, है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है देखिए, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, When two different या ठीक है ना react with each other, क्या है इस लाइन का मीनिंग, देखो दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, मान के चलो मैंने एक एल्डिहाइड ऐसा वाला ले लिया है ना, और एक एल्डिहाइड ऐसा लिया, देखो CH3 CH2 ऐसा वाला ले लिया, समझ रहे हैं क्या, और इनको हमने क्या किया किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो जो एल्डोल बनेगा, जो एल्डोल बनेगा वही एल्डोल में जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा उसी को बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब दो एल्डिहाइड, इसकी पहचान ये है कि दोनों के दोनों जो एल्डिहाइड है बिल्कुल अलग होने चाहिए, जब दोनों के दोनों अलग होंगे तो आप बोलेंगे सर उस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या, बताओ तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो कर लोगे, ठीक है चलिए। अच्छा अब मुझे एक बात आप लोग खुद बताइए, सपोज ये एल्डिहाइड नंबर 1 है, ये एल्डिहाइड नंबर 2 है, अब बेस को अटैक करना है, बेस को क्या करना है प्रोटॉन खींचना है, बेस को प्रोटॉन खींचना है, तो मुझे जो है कथन पटेल नाम का लड़का ये बताएगा कि एल्डिहाइड नंबर 1 से बेस प्रोटॉन खींचेगा या एल्डिहाइड नंबर 2 से, किस एल्डिहाइड से ये बेस प्रोटॉन खींचेगा ये बताइए बेटा तुम मुझे,
किस एल्डिहाइड से ये प्रोटॉन खींचेगा? बताओ। विश्व पटेल बताएगी, विश्व पटेल। सर सेकंड में से। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। कल्प बताएगा, कल्प। बताओ। प्रिया भावसार बताएगी। फर्स्ट खुशी पारिक बताएगी। फर्स्ट फर्स्ट वाले में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे सेकंड वाला कम एसिडिक प्रोटॉन होगा। क्यों होगा बच्चों? अगर आप सेकंड वाले प्रोटॉन, जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो देख लो। दो टिपिकल कंडीशन है यहाँ पे, दो टिपिकल कंडीशन है सर। बेस जो है किससे खींचेगा प्रोटॉन? देखो सेकंड वाले से क्या है, सेकंड वाला प्रोटॉन यही खींचेगा ना बेस। इस प्रोटॉन को खींचेगा तो यहां से क्या लग रहा है बेटा? इसका प्लस आई लग रहा है। प्लस आई से क्या हो जाएगी? इसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर इसके केस में, अगर पहले वाले के केस में, अगर ये बेस जो है इसको खींच लेगा, देखो अगर ये इसको खींच लेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बच्चा? यहां से ये आसानी से क्या हो जाएगा? ये जो है मोर एसिडिक। और ये जब मोर एसिडिक होगा तो हम बोलेंगे कि सर यहीं से जो है ये निकालेगा, और यही जो है ज्यादा क्या हो जाएगा, इसी पे पहले बेस अटैक करेगा। आई बात समझ में? ध्यान रखना दोनों कंट्रोवर्शियल है। अब प्रोडक्ट तो आप बना सकते हैं, बना सकते हैं ना? बनाने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा मुझे? नहीं तो बना दूंगा मैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब एक और, इसमें एक और हमारे पास एक बेस और होता है, एक और इम्पोर्टेंट बेस होता है जिसको आप LDA के नाम से जानते हैं। इसका नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ऐसा बोलते हैं इसको। डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जनरली आपको LDA लिख के ही देगा। तो यहां से देखिए आइसोप्रोपाइल ऐसा बना। ये है ये बेस का स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, है ना, अमाइड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना? ये बेस क्या करता है? प्रोटॉन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है बेटा, ये बेस जो है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है।
अब हमारे पास सपोज कभी कभी एक ऐसी रिएक्शन भी आती है, ठीक है ना, जो कहेगा कि भाई इसको जो है कैसे ये रिएक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है इसमें से। तो एक इसका मैं एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन बता देता हूं ये बेस का, ठीक है ना। अब देखो सपोज मैं यहां पे एक टर्म लिखता हूं, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं इसमें, एक रिएक्शन देखिए क्या है। सपोज हमारे पास इस टाइप का कुछ है ऐसा, अब मैंने दो इनको रिएक्शन करवा दिया और आपसे कहा कि एलडीए के साथ रिएक्शन कराइए और प्रोडक्ट बनाइए, तो वही एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा इसमें। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो प्रोटॉन ये वाला खींचेगा ये, क्यों? क्योंकि सर ये जो दूसरा वाला जो प्रोटॉन मैंने दिखाया है ये वाला ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है बेटा इसमें, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोटॉन है ये मोर एसिडिक नेचर का है, और जब एसिडिक ज्यादा होगा तो इस तरीके से कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ये वापस आएगा। और अब यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास प्यारे बच्चों एक और कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहां से ऐसे जाएगा और इसको इस तरीके से घुमाएगा। देख लो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है इसमें, है ना। अब देखो क्या बन रहा है, और इसको इस साइड लगा लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका वही एल्डोल बन जाएगा। अब इस एल्डोल पे आगे आप इसको हीट करोगे, आगे अगर आप इसको हीट करोगे तो यहां से एक प्रोटॉन न्यू निकलेगा और इसको यहां से बाहर कर देगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। और ठीक है ना, तो ये जो है इस तरीके से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में क्या, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा घुमा दिया, देख लीजिएगा आराम से, है ना, दो मिथाइल ग्रुप उसमें सामने सामने से लगे हुए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो बेटा बोलिए, ये समझ में आ गया या नहीं आया सभी? यस सर, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों के दोनों रिएक्शन हो सकता है, ऐसा भी आपको दे सकता है। नोट कर लो भाई, 2017 में नीट में पूछा गया था इसी का सेम। है ना, अब देखो एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, इसमें है इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग पढ़ते हैं, देखो सारे टाइप के एल्डोल मैं यहाँ पे बता रहा हूं, इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का मीनिंग होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन हो रही होगी, एक ही मॉलिक्यूल में। देखो सपोज एक ऐसा बना दिया मैंने प्रोडक्ट वन, ठीक है, अब आपको दे दिया बेस, बेस तो इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना, देखो 1 2 3 4 5 6 7
देखो इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन, तो सिक्स पे एक कीटोन ग्रुप और है, देख लीजिएगा आराम से देखिए इसको, ये ऐसा ही है ना बिल्कुल, देखो तो बेटा सेम है या नहीं है। अब क्या होगा, बेस कहां से प्रोटॉन खींचेगा? सर क्या बेस यहां से खींचेगा क्या? देखिए अब मैं थोड़ा ये काउंटिंग मिटा रहा हूं, सर क्या बेस यहां से प्रोटॉन खींचेगा क्या, या बेस यहां से खींचेगा? देखो बेटा क्योंकि इसका ये पोजीशन और ये तो दोनों सेम ही है दोनों के लिए, कौन से पोजीशन से ये बेस प्रोटॉन खींचेगा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो अगर सपोज, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं एक काम करता हूं, इस बेस को यहां से अगर प्रोटॉन खींचता हूं, तो यहां से प्रोटॉन खींचता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोटॉन नंबर वन है एक प्रोटॉन नंबर टू है। पहले मैं प्रोटॉन नंबर टू को खींच रहा हूं, देखिए प्रोटॉन नंबर टू को खींच रहा हूं, तो प्रोटॉन जब टू खींचेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेटा ऐसा बनेगा, देखिए एक मिनट है, सर स्मिथ को ऐड करो। देखो बेटा अगर मैंने सेकंड नंबर के प्रोटॉन को खींचा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज इधर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन करेगा, दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा आप खुद देखो यार, बनेगा, एक सिक्स मेंबर की रिंग बनाएगा। और अगर आप प्रोटॉन नंबर इस पे अटैक करते हो, इस पे अटैक करते हो तो देखो, तो यहां से ये इधर अटैक करेगा, प्रोटॉन नंबर या इस पे अटैक करते हो, देखो इस पे अटैक करते हो तो देखो यहां से फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, तो वन टू थ्री फोर, तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, फोर मेंबर की रिंग बन रही है, ऐसा ही। तो आप कौन सा वाला, ये पहला वाला प्रिफरेबल है, ये सेकंड वाला, कौन से वाले मेथड को, कौन से प्रोटॉन को आप प्रिफर ज्यादा करोगे ये बताओ मुझे। अरे समझ में आया है या नहीं आया, क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से प्रोटॉन को आप प्रिफर करोगे खींचना, कौन से प्रोटॉन को प्रिफर करोगे आप खींचना बताओ बेटा। सेकेंड, सेकेंड वाले को करोगे, बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि सर फोर मेंबर रिंग एक लेस स्टेबल रिंग है, लेस स्टेबल रिंग है, हम हमेशा मोर स्टेबल रिंग को बनाएंगे, तो मतलब पहले वाले प्रोटॉन को खींचना प्रिफर करोगे, तो इसलिए बच्चों मैं एक बार और फिर से बना रहा हूं, मैं जो है एक बार फिर से इसका प्रोडक्ट यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिए मैंने क्यों ऐसा किया था, वो मैं आपको दिखा रहा था कि आप प्रिफरेबल कौन से प्रोटॉन को कर रहे हैं। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे एक कार्बन है इस तरीके से, अब ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खींचेगा, इसी प्रोटॉन को क्यों खींच रहा है ये आप लोग समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। और जब ये इसको खींचेगा तो देखिए
इस पे नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा और यहां से ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये इसको ऐसे दिखा दो। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पे अटैक करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो देखो बच्चों कैसा बना ये, देख लो ऐसे ही बनाया है ना बिल्कुल। इसको कन्वर्ट कर दो, देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर की रिंग बन गई है। तो आपको आराम से एक सिक्स मेंबर की रिंग बना देनी है ऐसे, और उसके कहीं पे भी वन पोजीशन ले लो, टू पोजीशन ये हो गया, 3 4 5 6 सिक्स पे एक ऑक्सीजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, एक ऑक्सीजन ओ नेगेटिव है और एक मिथाइल ग्रुप ऐसा ही है या नहीं है देखो, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, आप यहां से इसको H प्लस दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसको अगर हीट करते हो तो प्रोटॉन से क्या करोगे, ये वाला प्रोटॉन से इसको यहां से ऐसे रिमूव कर दोगे। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यही वाला प्रोटॉन क्यों लिया, यहां से वाला ये वाला प्रोटॉन क्यों नहीं लिया। अरे ये वाला जो एल्कीन बनेगी ये कंजुगेटेड एल्कीन बनेगी, और कंजुगेटेड एल्कीन इज ए मोर स्टेबल ऑलवेज नॉन कंजुगेटेड एल्कीन। कंजुगेटेड एल्कीन बनेगी तभी तो ये वाला प्रोटोन लिया, यहां से क्यों नहीं लिया मैंने प्रोटोन, क्योंकि जो यहां से एल्कीन बनेगी वो नॉन कंजुगेटेड बन रही थी, और नॉन कंजुगेटेड ऑलवेज लेस स्टेबल होता है देन कंजुगेटेड से। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी दिक्कत है, एक बार और समझाना है तो वो फिर भी पूछ सकता है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है वो स्टूडेंट पूछ सकता है आराम से। रैना कोठारी कहीं दिक्कत आ रही तो पूछ सकती है बेटा। रैना कोठारी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो पूछ सकती है। यस सर। कहाँ पे आ रही दिक्कत सर? लास्ट स्टेप में समझ में नहीं आया। ठीक है तो पूछना चाहिए ना, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तब तुम पूछ रही हो। अब उससे पहले अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता इतने सारे स्टूडेंट में मुझे कैसे पता, तो फिर तुम पूछती नहीं क्या? पूछती ना सर। तो कब से कह रहा हूँ क्यों नहीं पूछ रही? और कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है बताओ बेटा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? और भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही होगी, बताओ कहाँ से समझाना। मुझे कैसे पता कितने लोगों को नहीं आ रहा है? लास्ट स्टेप एक बार और देख लो। लास्ट स्टेप में देखो ये वाला मैंने यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, इसको मिटा के सीधे इधर बता रहा हूं। देखिए मैंने आपको बताया, देखिए उस लास्ट प्रोडक्ट को जरा इधर देखो, ऐसा है और यहाँ पे OH है यहाँ पे मिथाइल। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, हीट करने से या तो ये वाला प्रोटॉन टूट जाएगा, ये वाला प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नंबर वन है, ये प्रोटॉन नंबर टू है। अगर सपोज मैं प्रोटॉन नंबर वन को तोड़ता हूं तो आपको पता होना चाहिए सर ऐसा एल्कीन बनेगा मिथाइल। प्रोटॉन नंबर टू को अगर तोड़ता हूं तो यहां से बनेगी एल्कीन, प्रोटॉन नंबर टू को तोड़ता हूं तो यहां से बनेगी एल्कीन। ये तो प्रोटॉन नंबर वन वाला जो ये वन वाला प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें कंजुगेटेड एल्कीन बन रही है और ये वाला नॉन, तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा ना, और ये वाला कैसा है मोर स्टेबल है।
और इसको क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, एक को माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे और दूसरे को मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, आप लोगों को ये कह रहा हूं मैं आपसे। अब आ गया समझ में? यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है ना, चलिए एक और हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, इसको आप ही को कुछ सॉल्व करना है, ये इस टाइप की रिएक्शन आती है। एक ये वाला प्रोडक्ट है और इसको आपसे कहता है बेस NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, NaOH के साथ इसको रिएक्शन कराइए, तो बनाओ इसका प्रोडक्ट सब लोग। बनाओ उसको। और एक और दूसरी रिएक्शन दे देता हूं मैं। लो ये भी बना लो। देखो तो
अरे कुछ हुआ क्या? बना या नहीं बना? बोलो बोलो। फर्स्ट तो हुआ सर। दूसरा वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार, फर्स्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट सेकंड वाला है। और ये तो मुझे लग रहा है, क्या कह रही हो? ऑर्गेनाइजेशन होगा पहले। हाँ 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 फिर सर उसका प्रोडक्ट नहीं बन रहा, एक्स वाला। ये एक्स वाला नहीं बन रहा, ये वाला ओजोनलाइजेस होगा, वो पता चल गया। पर आगे वाई क्यों नहीं बन रहा है? वाई तो बहुत आसान है, कोई तो और दूसरा कोई स्टूडेंट बना दिया होगा। देखो जरा कोई और देख लें, किसी ने तो बनाया होगा। बोलो पहला वाला तो बहुत आसान है बेटा, पहला वाला तो आपने यहां से प्रोटोन निकाला होगा, मैं यहां पे बना लेता हूँ। पहला तो मैं ही बनाता हूँ। प्रोटोन यहां से निकलेगा और ये ऐसे बन जाएगा। देखो अब ऐसे बनेगा तो देखिए, तो ये ऐसे चाहे तो आप इसको फिलहाल के लिए ऐसे बना सकते हैं। देखो बना लोगे और इसको ऐसे बनाओगे तो देखिए 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर की एक रिंग बना दो, इसको फाइव मेंबर में कन्वर्ट कर दो, ऐसे फाइव मेंबर में कन्वर्ट कर दो। देखो कहीं पे भी 1 दे दो, 1 2 3 4 5 दे दो, तो 1 पे तो ऐसे ही रहने दो और 2 पे क्या दे दो, ये 2 पे ये वाला करोगे 3 4 5 सीधे 5 पे आ जाओ, 5 पे ऑक्सीजन और मिथाइल है तो यहीं पे है 5, है ना? 5 पे ऑक्सीजन और मिथाइल है और वैसे तो ये बन गया, OH लगा दो इस पे डायरेक्टली। और आगे अब आप क्या करो, यहां से जो है एक प्रोटॉन को रिमूव करिए। अगर बोलता है हीट करो तब है, अगर हीट करो नहीं बोलता है आपको नहीं करना ये सब। अगर हीट करो नहीं बोलता है तो फिर आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो और यहां से ये निकलेगा, ऐसा बन जाएगा। देखो कर लोगे? बोलो जो स्टूडेंट नहीं कर पाए वो इसको करो, और जिन्होंने ये कर दिया अच्छी बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं ये तो बड़ी, इसका मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो अभी तक तो आप लोग पहचान ही लेते यार।
ये सबसे बड़ी गलत बात है कि आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं इसको, पहचानना जरूरी था आपको। तो चलिए मैं ही करता हूँ इसको, देखिए बहुत टाइम हो गया है, इतना कैसे आपको नहीं मिल सकता। देखिए हमारे पास एक ऐसा, ये कुछ ऐसा बनाया था मैंने, और इसको O3 के साथ रिएक्शन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ओजोनोलाइसिस हो जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे, और ओजोनोलाइसिस होगा तो आप लोग जानते हैं। ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, बन जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्या करिए, बेस अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा तो यहां से इस प्रोटॉन पे अटैक करा दो बेस का, और इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज लाओ, ठीक है ना। तो देखो क्या बन रहा है, ऐसा, ठीक है ना। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज आया है, इस पे अटैक कर दो और इसको बाहर खींच दो, इसको बाहर खींचेंगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो ओ पे नेगेटिव चार्ज इधर लाए, यहां से इसको यहां जोड़ दिया और ये ऐसे ही रहने दिया, देखो आया समझ में, आ रहा समझ में, ठीक है ना। देखो कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 हो गया, और ये वाली कितनी है, देखो ये वाली 7 आ रही होगी, देखो 1 1 तो ये है ही दोनों का, 2 3 4 5 6 7 तो मतलब एक जंक्शन के लिए 5 है, एक के लिए 7 है, तो 7 मेंबर की रिंग ऐसे बना दो और साथ में उस पर चिपका दो, कौन से मेंबर की रिंग 5, और यहाँ पे ओ एच लगा दो इस पे, एच प्लस एड किया तो इस पे, है ना। ओ एच को 1 दे दो नाम, तो 2 3 4 5 6 तो 6 पे आप देख रहे हैं एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, 7 पे रिंग का जंक्शन है, दोनों का देखो जंक्शन है और बाकी सेम, देखो ऐसे आ रहा समझ में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अगर ये फाइनल प्रोडक्ट है, अब सपोज इसमें हीट लिखा हुआ आता है, ठीक है बेस, अभी ये वाई है, यही है वाई, यहां कुछ लिखा ही नहीं तो ये वाई है, अब मैं इसको हीट लिख देता हूं, ऐसे कर देता हूं हीट, तो समझ जाइए फिर आपको एक प्रोटोन जनरली लिखा हुआ रहता है, तब मैं बता रहा हूं एक प्रोटोन और निकालना है ऐसे, देख लीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है इस प्रोडक्ट में पूछ लो, पूछो बेटा फिर बाद में जो है आप लोग बोलते ही नहीं है, बड़ी दिक्कत ये है। आ गया समझ में सभी को, हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रही है। हाँ बोलो, क्या बोल रही बेटा। आ गया समझ में। ओके, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुछ स्टूडेंट जो है, मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं क्वेश्चन।
ठीक है ना, एक मिनट दे रहा हूं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन जेई आईआईटी जेई 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, मतलब आपसे मैं कहूंगा कि जरा सा बैक कंसेप्ट पे जाइए। बहुत पहले पढ़ा दिया है इस टाइप का एक क्वेश्चन, और आज ये आ गया है तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। Na(NH2) इसको उसने कहा NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराइए, पहला। दूसरा उसने कहा ओजोन ACOH के साथ रिएक्शन कराइए, Y बनाइए, और उस Y को आपसे फिर वो बोला कि जिंक भी साथ में है, ये तो पता है आपको, है ना। उस वाई को रिएक्शन कराइए कि क्या बनेगा, ऐसा लिखा होगा ओ एच माइनस और दूसरा ऐसा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 70% स्टूडेंट इसको करेंगे, रख करके दिखाओ। हो गया, अब तो टाइम हो गया यार।
कर लिया बेटा इस क्वेश्चन को? अरे बोलो, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हो रहा यार, तुमसे बड़ा लेट कर रहे हैं, तुम पिछला सब भूल जाते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है मुझे लग रहा है तुम सारे लोग जो है भूल जाते हैं। चलिए मैं ही कर देता हूं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका नाम है डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट। इसको आपको बताया था बच्चों, जब भी ये कभी भी मैंने आपको बोला था, इधर देखिए, कभी भी अगर NH2 से रिएक्शन करता है तो ये N2 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है। यही बोला था क्या? बोलो। अब N2 के पॉजिटिव चार्ज आने से मैंने आपको बताया था ये ऐसे टूट जाता है, और जब ये ऐसे टूटता है तो आप देख रहे हैं यहां से ये मिथाइल तो ऐसे रहेगा ही, अब इस पे CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस CH2 पॉजिटिव चार्ज से ये 5 मेंबर की रिंग है, यहां से एक रिंग एक्सपेंड हो जाती है। बोला था ना, मतलब इस कार्बन से ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा। बोला था क्या? क्योंकि ये 5 मेंबर की रिंग हमेशा 6 मेंबर का होना चाहती है। इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया या नहीं आया आप बताओ यार। और इस पे जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पॉजिटिव चार्ज के आने के बाद देखो बेटा क्या बात आया है। एक मिनट है, अच्छा ये थोड़ा निकाल दिया गलती से। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज आया 1 2 3 4 5 6, तो एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ये एक 6 मेंबर की रिंग यहाँ पे बनी, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मिथाइल लगा दो और इधर पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, क्या दिक्कत है बताओ? कहीं पे भी लगा दो मिथाइल और पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी स्टूडेंट को, है ना? और ये मिथाइल और आपने क्या किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा। ठीक है, अब एक काम और बता देता हूं मैं आपको, आगे क्या होगा कि धीरे धीरे आपने इसको जो है हीट किया तो यहां से क्या हो जाएगा, एक ये निकलता है नेगेटिव चार्ज और इस तरीके से एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। यहां तक तो आपने कर दिया होगा, ठीक है ना? ये फाइनली अभी नहीं बना, अब इसको आपको ओजोन के साथ रिएक्शन करना है। O3 से जब रिएक्शन करेंगे तो ये यहां से टूट जाएगा, तो देखो क्या बनाएगा, मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड बनाएगा। देखो बनाएगा एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड बनाएगा तो अब देखो यहां से आपने ये यहां से एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है? तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बन गया बेटा, वाई वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इस वाई को बेस रिएक्शन करेगा OH-, तो बेस यहां से एक प्रोटॉन खींचेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो देखिए मिथाइल तो रहेगा यहां, अब वो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को कर देगा सॉल्व, है ना? तो ये देखो काफी लंबा रिएक्शन है, JEE में ही पूछा गया था ये, नीट वाले बच्चों को दिक्कत नहीं लेना है इसमें। O- आएगा तो OH कर दिया मैंने, और यहां से इसको ऐसे आया समझ, और आगे इसको हीट करा दीजिए तो हीट कराया है उसने, तो यहीं से एक प्रोटॉन निकलेगा और इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो,
लो दिस इज द जेट। अब मुझे ये बताओ, मैं इसको एक बार और समझा रहा हूं आपको, पहले देख लो ठीक है ना। सबसे पहले आपने इस NaNO2 को रिएक्शन कराया, ये बनाया, और यहां से ये मैंने बताया था जब भी कभी अमाइन ग्रुप के साथ एक डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है, जब भी कभी अमाइन ग्रुप के साथ एक डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है तो हमेशा एक इस तरीके से N2 पॉजिटिव वाला आता है, और यहां से हमेशा हमेशा मैंने पहले ही बताया था N2 गैस का रिमूवल हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद आपने देखा यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, रिंग को एक्सपेंड करेगा, ये यहां से इसको खींचेगा, इसको खींचेगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख लीजिएगा यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे अब देखो इसको मैंने जो है सीधे सिक्स मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और यहां से एक एलिमिनेशन हो जाएगा, एक प्रोटॉन निकलेगा तो कार्बन कार्बन ऐसा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट। अब हुआ क्या कि इसको आपने किससे रिएक्शन किया, O3 से, तो O3 किसको तोड़ेगा, इसी को तोड़ेगा, तो दोनों जगह इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, लगा दिया जैसा बोलते हो, इधर एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है और इधर कीटोन बनेगा ऑलरेडी, ठीक है ना। अब कीटोन यहाँ पे बना, देखिए आगे क्या हुआ कि बेस ने अटैक किया इस प्रोटोन पे और यहां से नेगेटिव चार्ज इधर आया, और यहाँ पे अगर इस प्रोटोन पे करता सेवन मेंबर की रिंग बनती, वो सेवन मेंबर की रिंग कम स्टेबल है क्योंकि फ्लेक्सिबल रिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी रीजन इज देयर, द अनस्टेबिलिटी ऑफ दैट सेवन मेंबर रिंग इज ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिंग, and the flexible ring is always always lesser stable than the non-flexible ring, that's why the five member ring is the more stable than seven member ring, है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको खींचा और negative charge इस carbon पे लाया, इस carbon पे negative charge आया और इस negative charge ने सीधे इस पे attack किया और इसको इधर खींचा, है ना? तो ऐसा बन गया, देख लो वो negative OS कर दिया और यहां से फिर प्रोटॉन इधर आया, इसको बाहर कर दीजिए। अब मुझे बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट है, किसे कोई कहता है कि सर एक बार और समझाइए, तो मैं इसको समझा देता हूं, फिर भी बेटा आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा कि कहां पे आपको समझाना है, बोलो, या समझ में आ गया तो हाँ हो गया बोल दीजिएगा, तब मैं आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, ये जेई बेस्ड क्वेश्चन है, मेनली आईआईटी जेई में पूछा गया था। हो गया क्या खुशी पारिक, समझ में आ गया? यस। किसी को कोई दिक्कत अगर यहाँ पे है पूछ लीजिएगा, मैं आराम से इसको समझाता हूँ, आप कहीं भी देख लीजिएगा, इतनी बड़ी रिएक्शन जनरली आपको बहुत कम बताया जाता है, तो ये आया है आईआईटी जेई में, इसलिए मैंने इसको पूरा मैकेनिज्म के साथ सॉल्व करके समझाया। ठीक है, चलिए, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करना है तो नोट कर दो जल्दी से, इसको नोट करना है तो नोट भी कर लो जल्दी से। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को मैंने काफी अच्छे से आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अगर देता हूं तो फिर आपका सीधे टाइम हो जाएगा, और प्रैक्टिस को देना जरूरी तो है वैसे आपको, चलिए दे देते हैं क्योंकि मुझे नहीं तो अब नहीं देता हूं तो कैनिजारो रिएक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी, अब कैनिजारो पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। चलिए मैं जरा देखता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करने को देखता हूँ सॉल्व, देखता हूँ कितने स्टूडेंट का, थोड़ा सा बड़ा स्टेप देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे कर पाए।
ठीक है ना। और जो यहां पे x बनेगा उस x को आपको x माइनस दूसरा इसको हीट कर दो, ठीक है। हीट करने के बाद हीट करने के बाद ये कुछ ऐसा बना है, ठीक है ना। तो ये आपका वाई बनाएगा। जरा इसको कर लो बेटा, पहले आप जरा इसको सॉल्व कर ही लो, है ना। इसको पहले कर लो तब मैं आपको आगे बताऊंगा। हो गया क्या? नेक्स्ट कम सब नहीं हो पाएगा मुझे जो है कि कहने जा रहा हूँ रिएक्शन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आज तो हो नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन ही ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना, कर लिया क्या? चलो मैं ही कर देता हूँ, तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बोलो। अरे ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये क्या है? ये बेस है, ये बेस क्या करेगा? ये प्रोटॉन को खींचेगा तो देखिए कैसे खींच रहा है। यहाँ से इसको खींचेंगे और ये इधर चला जाएगा, यहाँ से इसको बाहर कर देगा, है ना। तो ऐसा बनाएगा, देखो ऐसा बनाएगा और आगे क्या होगा देखो, O3 के साथ रिएक्शन कर दो इसको, इसको तोड़ दो ऐसे,
देख लो बच्चों, कर लोगे और आगे फिर देखो अब बेस के साथ ये आपका क्या बन जाएगा, ये एक्स वाला बन जाएगा। आप ओ एच माइनस कहां से अटैक करेगा, यहां से खींचेगा, इस प्रोटॉन को खींचेगा और ये इधर चला जाएगा। और अब आगे क्या होगा देख लो, इस पे अटैक करेगा ये 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। देख लो घर पे बना लेना आराम से, चेक कर लेना। देख लो है ना, और क्या कर लोगे आगे, हीट करना है तो हीट कर दो, एलिमिनेट कर दो इस प्रोडक्ट को, तो ये फाइनल इसको ऐसे बना। हो जाएगा क्या देखो, हो जाएगा ये, हाँ या ना बोलो बेटा, से यस और नो। काव्या कर लेगी? यस सर। और स्टूडेंट कर लेंगे क्या, विधि विधि पटेल yes, कर yes, लेगी? यस सर। चलो एक 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 आदमी एक आदमी रिएक्शन आपको घर के लिए सॉल्व करने को देते हैं, आराम से घर पे प्रैक्टिस कर लेगा। ये दो रिएक्शन नोट करो बेटा, नोट कर लो ये दो। ये दो रिएक्शन नोट करिए ठीक है ना। अच्छा अब जो है, चलिए ये तो आप घर पे कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है घर पे जो है आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है। आपका जो लग रहा है मुझे तौर तरीके से, जब मैं कभी कुछ पूछ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बंद कर दिया। अगर पढ़ना बंद करोगे तो बेटा लॉस तुम्हारा होगा। ध्यान रखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपने घर में जरूर स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, और दिक्कत आती तो पूछिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा लगता है जिन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ लोग तो ऐसे लग रहे हैं जो देख ही नहीं रहे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कितनी बार आपको समझाया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए प्यारे बच्चों, कि कितनी बार आपको समझाए हैं, बोलो आपको कितनी बार समझाए हैं कि आपको जो है घर पे स्टडी करनी है, बिल्कुल करनी है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। आप ये सॉल्व करिए, ध्यान रखिए ठीक है। किसी को कुछ बात कहनी है क्या, कुछ पूछना है क्या?
किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, वरना मैं बेटा मीटिंग को ड्रॉप कर देता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, क्लास को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना? हम लोग जो है, चलो बच्चों ठीक है।